जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जो फ्रेश एलोवेरा जो अपने घर पे लगाई हूँ उसी को काट रही हूँ। आप सोच रहे हो ये क्या करने वाली है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक मैं मास्क बैग बनाऊंगी, वो भी फ्रेश एलोवेरा से। देखिए मैंने काट लिया है ये फ्रेश एलोवेरा, जो मेरा ये एलोवेरा का घर में लीव है, देखो मैंने लगाया है। जो भी मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम मार्केट वाला यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लो, ये मेरा एलोवेरा का लीव कितना अच्छा, कितना बड़ा, जो मैं हेयर के लिए और फेस के लिए यूज़ करती हूँ कभी कभी मार्केटिंग वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ नॉल की टीवी हेयर डे। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आज एक रेमेडी बनाने वाली हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो रेमेडी मैं बना रही हूँ इसको लगाते हुए आपका जितने भी हेयर में प्रॉब्लम है आपका सब चले जाएंगे। जितने भी हेयर में प्रॉब्लम है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसके लिए आपको हनी चाहिए होगा, पैरासूट का कोकोनट ऑयल, जिसके घर में जो है वही ऑयल यूज़ करो, और ये ग्लिसरीन। तो फ्रेंड्स और ये है देसी बनाना, ठीक है, ये है देसी बनाना, ये बहुत कम मिलता है और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, हेयर के लिए, स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बनाना अच्छा होता है। बहुत ही कम मिलता है ये बनाना, तो इसी का मैं ये एक हेयर पैक, हेयर मास्क मैं यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेश एलोवेरा मैंने पहले से काट के रखी थी, जैसे कि आपको मैंने वीडियो पे दिखाई हूँ, एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश वाला ये मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब सारी चीज हम ले चुके हैं और ये आपको मिक्सर ग्राइंड का भी चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं साइड में रख देती हूँ। फ्रेंड्स मैं ये हेयर मास्क महीने में 2 से 3 बार 4 बार भी लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे हेयर में शाइन होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है और बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, जिससे कि ये लगाते हुए आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी हेयर ग्रोथ, सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एलोवेरा का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स मैन वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने हमेशा से फ्रेश वाला जब मैं यूज़ करती हूँ तब भी मैं ये बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रात को बना के रख दिया, या तो मैं जब लगाऊँगी उससे दो घंटा तीन घंटा पहले। मुझे हेयर मार्क्स हो, चाहे फेस से रिलेटेड कुछ हो, जो भी हो, मैं एकदम फ्रेश और तभी का तभी बना हुआ मैं यूज़ करती हूँ। चाहे हेयर मार्क हो, चाहे फेस मास्क हो, कुछ भी, मैं हेयर रिलेटेड कुछ भी करती हूँ तभी का तभी, नहाने से 1 घंटे पहले ही मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैं एलोवेरा को ऐसे करके मैं निकाल रही हूँ, ऐसे आपको निकाल लेनी है, इसका जेल आपको निकाल लेना है और आप ये नहाने से पहले ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फेस चीज़ हमेशा से स्किन और हेयर पर ज़्यादा काम देती है। ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन पहले आप बना के छोड़ दो, उसके बाद फिर लगाओगे, कभी भी फ़ायदा नहीं देते। तो फ्रेंड्स आप जब यूज़ करो उससे पहले ही बनाओ, ऐसे जेल निकाल लो फ्रेंड्स। और हाँ, आप जब भी यूज़ करो हेयर पे या स्किन पे कुछ भी मार्क्स, या तभी आप हाथ को अच्छे से वॉश करके आप ये करो। और हाँ, एलोवेरा को भी अच्छे से धो लेना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी गंदा कुछ चला जाएगा तो आपका हेयर में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, स्किन में प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आपको सब निकाल लेनी है जेल, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने ये एलोवेरा जेल निकाल ली है, तो फ्रेंड्स ऐसे भी निकाल लो, फिर मैं इसको एक जगह में रख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक बनाना, तो फ्रेंड्स जैसे कि मुझे ये बनाना चाहिए क्योंकि छोटे हैं, तो मैं 3 ले रही हूँ मेरा हेयर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपके जितने बड़े हेयर है उसी के हिसाब से आप एलोवेरा जेल लो और केला भी ले लो। तो फ्रेंड्स मैं इसको खाना नहीं है, हेयर पे लगाना है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आपको जितने बड़े आपके हेयर है उसी के हिसाब से केला, जेल, हनी, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन ऑयल, जो आप यूज़ करना चाहते हो उसका आप हेयर पे अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स इस हेयर
रेमेडी जो है, जो हेयर मास्क है, इसका लगाते हुए, इसको जो लगाते हुए आपको क्या करना है, देखो फ्रेंड्स मैंने फिर मैं तो फ्रेंड्स ऐसे आपको छोटा छोटा काट लेना है मिक्सी में देने के लिए, अच्छा फाइन पेस्ट बना लो फ्रेंड्स। उसके बाद जो है एक अच्छा सा पैक बनेगा, जैसे जिस हिसाब के आप बनाना चाहते हो तो बनाओ। तो फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स ये मैंने बनाना अच्छे से कट कर लिए हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये एलोवेरा जेल भी इसमें डाल लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एलोवेरा जेल भी डाल, पूरा अच्छे से डाल लो फ्रेंड्स। तो उसके बाद एक अच्छे से पेस्ट बना लो, और इस पेस्ट को बनाने के बाद आप हनी यूज़ करो, कोकोनट ऑयल यूज़ करो, जो भी है एलोवेरा जेल यूज़ कर लो। उसके बाद अपने हेयर पे पूरा अप्लाई करो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको पेस्ट करने के बाद मैं अपने हेयर पे अप्लाई करके आपको बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जैसे कि मेरा ये बनाना मास्क यानी कि पैक ये रेडी है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं अपने ये बोल पे मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, इस बनाना को आप जब पेस्ट बनाओगे तो इसमें पानी ऐड मत करना, ठीक है फ्रेंड्स, पानी मत ऐड करना, क्योंकि प्योर बनाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको हमेशा प्योर मास्क, प्योर पैक सब कुछ यूज़ करना है। ऐसा नहीं है जो पानी डाल के को कम कर लो, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप हेयर में लगाने से पहले हेयर को कम कर लो, जिसमें भी उलझे हुए बाल हैं सुलझ के ये हेयर पे लगाओ। लगाने के बाद आप ये आधा घंटा भी रख सकते हो, 15 मिनट भी रख सकते हो। तो ने उसके बाद आप कोई भी शैम्पू से आप ये धो लो।